राजस्थान आवासन मंडल की ओर से शहर के साकेत नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में शुरू की गई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स योजना अपने मूल उद्देश्य से दूर हो गई है। जिस उद्देश्य को लेकर आवासन मंडल की ओर से शुरू की गई इस योजना का विकास नहीं होने के कारण दुकानों के आवंटी अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। आवासन मंडल की ओर से उक्त योजना तथा उद्देश्य को मूर्त रूप नहीं देने के अभाव में अब वर्तमान में हालात ये हो गए हैं कि जिस हालत में आवंटियों को दुकानें आवंटित की गई थी वे दुकानें अब धीरे धीरे जर्जर होकर जमीन दोज होने लगी है। साथ ही देखरेख तथा साफ सफाई के अभाव में पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हर तरफ गंदगी का आलम है और हर तरफ विलायती बम्बूल के पेड़ पनप रहे हैं, जिनमें जंगली जीव जंतुओं की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण यहां आसपास में रहने वाले लोगों के घरों में सांप बिच्छू सहित अन्य जीव जंतु घुस जाते हैं। उधर साफ सफाई के अभाव तथा अंधेरे के कारण रात के समय यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जो देर रात तक शराब का सेवन करते हैं और खाली बोतलें तथा कचरा इधर उधर फैला देते हैं। रात्रि के समय असामाजिक तत्वों की हरकतों के कारण इस मार्ग से निकलने वाले राहगीरों तथा वाहन चालकों में दहशत का माहौल बना रहता है। इस बाबत स्थानीय पार्षद विक्रम सोनी ने बताया कि इस हेतु पूर्व में कई बार राजस्थान आवासन मंडल तथा नगर परिषद प्रशासन को अवगत कराया गया है। परिषद प्रशासन से यहां पर नियमित रूप से साफ सफाई करवाने की मांग की गई है। पार्षद सोनी ने राजस्थान आवासन मंडल से भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सुध लेने तथा यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करवाने की मांग की है। पार्षद सोनी ने राजस्थान आवासन मंडल से दुकानों के मूल आवंटियों को नोटिस जारी कर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के निर्देश जारी करने तथा इसके अभाव में उनका आवंटन रद्द कर उन्हें बेदखल करने की मांग की है। राजस्थान आवासन मंडल की योजना साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 43, जिसमें आवासन मंडल द्वारा आमजन और गरीबों के लिए दुकानें अलॉट की थी, जिसकी सुध मालिक जन नहीं ले रहे हैं। कई दुकानें जर्जर होकर खंडर हो चुकी है, इसकी कोई देखरेख नहीं हो रही है। यहाँ गंदगी, सफाई नहीं होना, सांप बिच्छू का ज़्यादा होना, जिससे आम जन को, क्षेत्रवासियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज दिनांक को साग अभियंता आवास मंडल अजमेर एवं नगर परिषद आयुक्त महोदय को एक पत्र देकर संज्ञान में डाला गया कि उक्त जो दुकानों का आवंटन पत्र है, जिन भिन्न भिन्न व्यक्तियों को जो आवंटन की गई दुकानें हैं, वो अपने स्तर पर दुकानें सही कर उनका उपयोग लेवे, अन्यथा जो उनका मूल आवंटन है उनको रद्द कर उनको बेदखल किया जाए। खुशी केक एंड पेस्ट्री, आपके बर्थडे पार्टी व यादगार उत्सवों के लिए प्राकृतिक रंगों से बनी एगलेस केक, लव केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, रेड वेलवेट केक, चीज केक, वॉलनट केक, शुगर फ्री केक और भी केक की अनेक वेराइटियाँ। साथ ही नायाब चॉकलेट व गिफ्ट हैम्पर, बर्थडे डेकोरेशन आइटम और लजीज चॉकलेट पिज्जा, साथ ही लजीज पेटीज, बिस्कुट और टेस्टी शेक और आइसक्रीम के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था। बर्थडे और पार्टी के लिए हॉल की बेहतर सुविधा के साथ तो आज ही चले आए खुशी केक एंड पेस्ट्री, अरिहंत कॉम्प्लेक्स के पास, कॉलेज रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 8890103504।